हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एजुकेशनल फिलोसफी के अंदर क्या बातें कही और एजुकेशन को किस तरीके से आगे हम जो है लेकर जा सकते हैं, किस तरीके से उन्होंने सजेशन दिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेट एजुकेशनिस्ट ऑफ द मॉडर्न एज। मॉडर्न एज के जो है ग्रेट एजुकेशनिस्ट माने जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है। ही हैज़ मेड ए यूनिक एंड अनपैरेलल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इन्होंने जो है एक सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है और हमारा जो इंडिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एजुकेशन के रिगार्डिंग, वो इन्हीं की वजह से हुआ है। ही नॉट ओनली फाउंडेड द नेशनल एजुकेशन सिस्टम। इन्होंने सिर्फ नेशनल एजुकेशन सिस्टम को ही नहीं फाइंड आउट किया बेस्ड ऑन इंडियन कल्चर, जबकि इन्होंने जो है एक वाइडर आउटलुक दिया है सिंथेसाइजिंग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न आइडल्स ऑफ एजुकेशन। यानी कि इन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न एजुकेशन हम किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं उसके बारे में भी इन्होंने बात की है। और इसी जो कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से जो है इनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को हम गुरुदेव भी कहते हैं। टैगोर ऑक्यूपाइज ए यूनिक प्लेस अमंग द एजुकेशनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर एजुकेशनिस्ट के अंदर एक अपना खुद का मुकाम हासिल किया है। ब्रीफ हिस्ट्री अब जानते हैं। सबसे पहले टैगोर जो हैं वो कोलकाता में बॉर्न हुए ऑन सिक्स में 1861 के अंदर ये बॉर्न हुए थे। हिज फादर देवेंद्र नाथ टैगोर वॉज ए फेमस सोशल रिफॉर्मर, स्कॉलर, कल्चरल लविंग एंड रिलीजियस मैन। इनके जो फादर थे वो उनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे, एक स्कॉलर थे, साथ के साथ कल्चरल लविंग थे और रिलीजियस मैन थे। रविंद्र नाथ टैगोर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई हिज फादर। इन्हें जो है बहुत ज़्यादा अपने फादर से इन्फ्लुएंस हुए थे। फॉर हिज प्राइमरी एजुकेशन टैगोर वॉज सेंट टू द ओरिएंटल सेमिनरी नॉर्मल स्कूल, बंगाल अकेडमी एंड सेंट एक्सवियर स्कूल रिस्पेक्टिवली। इन्होंने इन दोनों स्कूल से अपनी जो है प्राइमरी एजुकेशन ग्रहण की, बट ही डिड नॉट फील्स एट होम एट दी स्कूल्स। यानी कि उनको जो है ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम घर की तरह पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या है, ही डिड नॉट लाइक द आर्टिफिशियल एंड बाइंडिंग इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल। इनको जो है जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दिखाया जा रहा था वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। ना ही इनको जो है पैसिव टीचिंग अच्छी लगे इंस्टीट्यूशन में। यानी कि पैसिव टीचिंग होता है जिसके अंदर सिर्फ जो है टीचर आएगा, आपको लेक्चर देगा और आपको कुछ बोलने भी नहीं देगा और आपको जस्ट सुनकर आना है। तो इनको ये पैसिव टीचिंग का जो कंसेप्ट है वो अच्छा नहीं लगा। There was nothing like a house in it. It was like a big box with many compartment. इनका कहना था कि स्कूल जो है सिर्फ एक क्या है, एक घर है बहुत बड़ा, मतलब कि घर की तरह कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक बड़ा डब्बा है, बॉक्स है, जिसके अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, अलग अलग डिब्बों की तरह अलग अलग छोटे छोटे जो है कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। It was a restless nightmare like a jail or a hospital, completely isolated from the surrounding life and the beauty. इन्होंने जो है ये दूसरे स्कूल जिसमें गए थे उसके बारे में इन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक तरीके से एक डरावना सपना और ऐसा लगता है एक जेल या हॉस्पिटल है जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है। द टैगोर स्टडी एट होम इन एन अनऑर्गेनाइज्ड मैनर। जो टैगोर हैं वो एक अनऑर्गेनाइज मैनर में स्कूल के अंदर पढ़ते थे, घर के अंदर पढ़ते थे। ही वेंट टू इंग्लैंड, फिर ये हैं इंग्लैंड गए 1877 में लॉ की पढ़ाई के लिए। बट देयर वॉज ऑल्सो ही इज नॉट सेटिस्फाई एंड रिटर्न टू इंडिया इन 1880। और वहाँ पर भी ये सेटिस्फाई नहीं हुए और ये वापस इंडिया के अंदर आ गए। अब जो है वो जब रिटर्न आए, मतलब वापस आए, तो उन्होंने क्या किया कि वो इंस्पायर हुए सोशल, कॉम्युनल एंड पॉलिटिकल फीलिंग से प्रिवेंट इन द कंट्री। जो हमारी कंट्री में चीज़ें चल रही थी सोशली, जो चीज़ें चल रही थी कॉम्युनल कम्युनिटी के रिगार्डिंग, जो चीज़ें चल रही थी पॉलिटिकल फीलिंग्स जो थी उसकी वजह से ये क्या हुए, इंस्पायर हुए और टैगोर टुक टू राइट। यानी कि अब वो जो है राइटिंग करने लगे, अब उनको जो है राइटिंग करना पसंद आने लगा। इन्होंने सदन भारती या फिर इस तरीके की जो बुक्स हैं स्टार्टिंग में लिखी, सदन भारती एक्सेट्रा, लेटर जो है इन्होंने बुक्स लिखना शुरू किया और फिर ये जो है बंगाल लिटरेचर के जो है नॉवल्स इन्होंने लिखनी स्टार्ट की, जो कि या फिर शॉर्ट स्टोरीज होती थी, प्लेज, पोएम, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखनी स्टार्ट की। और 1905 के अंदर
ही रोट ए पेट्रियटिक सॉन्ग, इन्होंने जो एक सॉन्ग लिखा, ही कंसिडर फ्री एंड नेचुरल इन्वायरमेंट एज द बेस्ट एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द लर्निंग एंड टीचिंग। इनका ये मानना था कि फ्री इन्वायरमेंट ही जो है सबसे बेस्ट होता है लर्निंग के लिए, यानी कि सबसे अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट ही कौन सा है जो कि फ्री इन्वायरमेंट है और नेचुरल इन्वायरमेंट है, वो सबसे अच्छा अप्रोप्रिएट है किसी भी लर्निंग और टीचिंग के लिए। इन 1901 ही हैड एस्टेब्लिश शांति निकेतन, इन्होंने जो है एस्टेब्लिश किया शांति निकेतन भोलपुर में, जो कि एक फेमस विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से है आज के टाइम में। ही कंपोज्ड गीतांजलि हिज मोस्ट फेमस एपिक पोएम, गीतांजलि जो इनकी सबसे मोस्ट फेमस एपिक पोएम थी, और इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला इन 1912 में। ही वॉज़ द फर्स्ट इंडियन ऑन होम दिस अवार्ड वॉज कन्फर्म्ड, ये पहले ऐसे इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ ये जो पुरस्कार है दिया गया था। नेक्स्ट आता है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑनर हिम बाई कन्फरिंग ऑन हिम द टाइटल ऑफ नाइट हुड, इनका जो टाइटल है नाइटहुड के नाम से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको ऑनर दिया। द कलकत्ता यूनिवर्सिटी ऑल्सो ऑनर्ड हिम डी लिटरेचर, एंड महात्मा गांधी ने इनको ऑनर दिया गुरुदेव का। दिस ग्रेट एंड इमोर्टल सन ऑफ इंडिया ए थिंकर फिलोसोफर पोएट आर्टिशन एंड एजुकेशनिस्ट पास्ड अवे इन 7 अगस्त 1947 में इनकी डेथ हुई। नेक्स्ट आता है फिलोसफिकल आइडिया के बारे में हम पढ़ते हैं कि टैगोर का क्या आइडिया था देखा जाए कि हमारी एजुकेशन के प्रति, तो उसके बारे में अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि टैगोर हैज़ गिवन मैन द हाईएस्ट प्लेस अमंग द क्रिएशन, इन्होंने जो सबसे हाईएस्ट जो है मैन को इंसान को रखा। ही बिलीव मैन टू बी इन द इमेज ऑफ गॉड, इन्होंने माना कि इंसान जो है वही भगवान की फॉर्म में है। टैगोर फेवर द हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ मैंस डाइवर्स पावर, यहाँ पर अगर हम जो है अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को हम डेवलप कर सकते हैं दया भावना के थ्रू, हम जो है शांति से चीज़ों को पावर को अचीव कर सकते हैं। ही वॉन्ट टू एस्टेब्लिश यूनिटी बाई एंडिंग ऑल डिफरेंसेज, इनका ये मानना था कि इनकी ये इच्छा थी कि ये एक ऐसी चीज़ एस्टेब्लिश करे जहाँ पर जो है यूनिटी हो और डिफरेंसेस जो जो हैं हमारे वो ख़त्म हो जाएं। टैगोर हैज़ व्यूड रिलीजन इज ए वाइडर इन ए वाइडर सेंस, इनका मानना था कि जो रिलीजन है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अकॉर्डिंग टू हिम रिलीजन इज़ नॉट कन्फाइंड टू द रिलीजियस डिस्कर्स, यानी कि इनका ये मानना था कि सिर्फ रिलीजन एक रिलीजन को फॉलो करना नहीं होता। टैगोर एज वेदांतिस्ट, टैगोर का मानना ये था कि जो वेदांतिक फिलोसफी है उसके अंदर इनका विश्वास था, और ये कहते थे गॉड जो है एक ओमनीपोटेंट है एंड ओमनीप्रेजेंट है, द एंटायर यूनिवर्स इज़ गॉड मटेरियल मैनिफेस्टेशन, इनका मानना ये था कि जो भी चीज़ें हैं वो गॉड की वजह से हैं, इंडिविजुअल आर स्पिरिचुअली रिलेटेड और इंडिविजुअल जो है स्पिरिचुअल वे से एक दूसरी चीज़ से रिलेटेड हैं। टैगोर एज एन इंडिविजुअलिस्टिक के अंदर इनका क्या मानना था कि ये रिस्पेक्ट करते थे इंडिविजुअल की फ्रीडम, और रिस्पेक्ट जो फ्रीडम है उसको रिस्पेक्ट करते थे। ही वॉज ऑल्सो मेकिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन सेक्स लैंग्वेज, ये कहते थे कि इनको अगेंस्ट थे ये किस चीज़ के कि इन चीज़ों के ऊपर लैंग्वेज वगैरह सेक्स वगैरह या फिर जो रिलीजन है उसके रिगार्डिंग कोई भी हमारा क्या होगा डिफरेंस नहीं होना चाहिए जब भी हम कुछ भी एज ए इंडिविजुअल की अगर हम बात करते हैं। टैगोर एज एन आइडियलिस्टिक, टैगोर जो थे आइडियलिस्टिक भी थे, इनका मानना था कि वैल्यूज़ आइडल्स और ब्यूटी को हमें फाइंड आउट करना है, इनका मेनली फेथ यही था। टैगोर एज ए स्पिरिचुअलिस्टिक, इनका ये मानना था कि हमें स्पिरिचुअल अकम्पलिशमेंट यानी कि हमें सेल्फ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक आइडल को परमानेंट करने के लिए, यानी कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हमें लेना होगा। टैगोर एज ए ह्यूमनिस्टिक, ह्यूमनिस्टिक हम इनको कहते हैं अल्टीमेट जो रियलिटी है कुड बी रियलाइज थ्रू द लव ऑफ मैनकाइंड, यानी कि अगर आपको कोई भी अल्टीमेट रियलिटी चाहिए तो ट्रूथ चाहिए, वो हमें जो है अल्टीमेटली कहाँ से मिलेगा, लव ऑफ मैनकाइंड से। नेक्स्ट इज टैगोर एज नेचुरलिस्टिक, इनका मानना ये था कि नेचर जो है वो मदर है ऑफ द मैन एंड नॉट अगेंस्ट हिम, यानी कि जो हमारा नेचर है हमारी सराउंडिंग है वही जो है सबसे मेन है, यानी कि मदर है एक मैन के लिए और ये हमारे अगेंस्ट कभी भी नहीं है। नेचर इज़ कंपैशनेट, यानी कि नेचर जो है हमारे अकॉर्डिंग है, हम नेचर के अकॉर्डिंग है। एजुके
और इनका ये मानना था कि मैन को जो है किंगशिप अचीव करनी चाहिए नेचर के साथ। नेक्स्ट वन इज़ टैगोर्स इंटरनेशनलिज्म। टैगोर वॉज एन इंटरनेशनलिस्ट। इनका मानना ये था कि ये बिलीव करते थे फर्टर्निटी अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू हिम डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड क्रीड इज़ अननेचुरल। अगर आप किसी के रंग रूप की वजह से उनसे भेदभाव कर रहे हैं तो ये एक तरीके से अननेचुरल है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न को इन्होंने क्लोजर लाने की कोशिश की। नेक्स्ट आता है फेथ इन सुप्रीम बींग। इनका ये मानना था उपनिषद के अंदर जो है ये विश्वास करते थे, साथ के साथ इनका ये मानना था कि हम जो है इंसान जो है सबसे मेन है। ही बिलीव दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड दिस वर्ल्ड। गॉड अलोन गिव अस द वैल्यूएबल वेल्थ ऑफ आवर इनर लाइट। गॉड इज़ द मैनिफेस्टेशन हिमसेल्फ इन द नेचर। ये उपनिषद को फॉलो कर रहे थे और उपनिषद के अंदर यही बातें कही गई है कि जो है फेथ सुप्रीम सबसे ज़्यादा इन फेथ किस में था, गॉड के अंदर सबसे ज़्यादा फेथ था। इनका फेथ इन क्लोज अफिनिटी बिटवीन मैन एंड नेचर। इनका जो है ये टैगोर मानते थे कि वर्शिप करनी चाहिए हमें नेचर की। नेक्स्ट इज फेथ इन द फ्रीडम ऑफ मैन। इनका ये भी मानना था कि इंसान को जो है फ्रीडम दी जानी चाहिए जिससे जो है वो उसके सोल की रिस्पेक्ट वो कर पाए और साथ के साथ वो हर चीज़ जो अचीव करना चाहता है वो उसको अचीव कर पाए। नेक्स्ट वन इज़ फेथ इज़ इंटीग्रेटेड कल्चर। इनका ये मानना था कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश कल्चर जो है वो सारे के सारे जो है एक डेफिनेट टर्न लेकर आए और इन्हों का ये मानना था इंटीग्रेटेड कल्चर जो है फॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ टैगोर की क्या थी, वो ये था कि उनका ये मानना था कि लाइफ एंड हिज फिलोसफी ऑफ एजुकेशन आर क्लोजली यूनाइटेड, यानी कि ये दोनों नेटेड हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बुनी हुई हैं। यानी कि क्या क्या, हमारी लाइफ की फिलोसफी और हमारी एजुकेशन की फिलोसफी। टैगोर ने जो है डिस्कवर किए कुछ थ्योरीज और प्रिंसिपल एजुकेशन के रिगार्डिंग, और जो कि जो है आज के टाइम में शांति निकेतन जो हमारा इंस्टीट्यूट है वहाँ पर इसको जो है एक्सपेरिमेंट किया गया था। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ टैगोर के अंदर क्या दिया गया है, फर्स्ट वन इज़ हारमोनी विद ऑल द थिंग्स, यानी कि हमें हर चीज़ के साथ हारमोनी से पेश आना होगा, अच्छी तरीके से हमें रहना होगा। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। टैगोर का मानना ये था कि चिल्ड्रन को जो है, बच्चे जो हैं उनको जो है फ्रीडम देनी चाहिए ताकि वो एक अच्छे तरीके से फ्री इन्वायरमेंट के अंदर डेवलप कर पाएँ अपने ओपिनियंस वगैरह को। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन। टैगोर का मानना ये था कि एजुकेशन जो होगी ना वो बच्चों को इंडिविजुअल क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन की तरफ लेकर जाए, यानी कि बच्चा जो है चीज़ें सीखने के बाद जो है उनको इम्प्लीमेंट कर पाए। इनका मानना ये था कि आर्ट को, आर्किटेक्ट को, या फिर जो म्यूज़िक है, पेंटिंग है, डांस है, इन सब चीज़ों को जो है एजुकेशन के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। हैंडीक्राफ्ट वगैरह, म्यूज़िक, आर्ट, ये सारी चीज़ों को जो है इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए। एक्टिव कम्युनिकेशन विद नेचर एंड मैन, यानी कि एक एक्टिव कम्युनिकेशन की जानी चाहिए नेचर के साथ और इंसान के साथ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्होंने माना है। क्योंकि इनका ये मानना था कि जो हम मैन है वही सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, और ये जो है गॉड, गॉड की तरफ हम तभी जाएंगे जब हम स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे नेचर और गॉड के साथ। तो ये भी एक तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन इन द लैब ऑफ नेचर, यानी कि एजुकेशन जो है हमें बच्चों को इस तरीके से देनी चाहिए, नेचुरल इन्वायरमेंट में हमें जो है उनको एजुकेशन देनी चाहिए। फ्रीडम इन एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर जो है देर इज़ नो फ्रीडम एंड वेयर देर इज़ नो डेवलपमेंट देर इज़ नो लाइफ। अगर कहीं पर भी फ्रीडम नहीं होगी तो वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगी, और वहाँ पर अगर डेवलपमेंट नहीं हुई तो वहाँ पर कोई लाइफ नहीं होगी। तो इनका ये मानना था कि एजुकेशन के अंदर बच्चों को फ्रीडम दी जानी चाहिए। एजुकेशन फॉर द परफेक्शन ऑफ मैन। टैगोर जी का ये मानना था कि सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अगर इंसान को परफेक्ट बनाना है तो उसको जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उसको राइट रॉन्ग की जो है नॉलेज दी जाए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में उसको समझाया जाए, स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल या फिजिकल एजुकेशन वगैरह दी जाए। नेक्स्ट आता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन
द मदर टंग, मदर टंग के अंदर जो है बच्चों को इंस्ट्रक्शन दी जाए, मल्टी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एंड कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पे मल्टी डेवलपमेंट की जाए बच्चों की और कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट हो, यानी कि जो डेवलपमेंट हो रही है वो एक दूसरे से रिलेटेड हो। नेक्स्ट आता है नेशनल एजुकेशन को फॉलो किया जाए, यानी कि एजुकेशन जो है हमें पास्ट फ्यूचर हमारे नेशन के बारे में बताती हो। एजुकेशन ऑफ इंडियन कल्चर के बारे में एजुकेशन दी जानी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ आर्टिस्टिक पावर, यानी कि बच्चे के अंदर जो है एस्थेटिक टैलेंट भी होना चाहिए। म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, इन सब के ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। एजुकेशन ऑफ द कम्युनिटी लाइफ, टैगोर जी का मानना था कि प्रोग्रेसिव और डायनामिक होनी चाहिए हमारी एजुकेशन, यानी कि ब्रॉड वे मतलब बेस हो या ना कि नैरो हो। नेक्स्ट आता है नॉलेज फ्रॉम डायरेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट सोर्स, यानी कि बच्चों को नॉलेज डायरेक्टली भी दी जानी चाहिए और जो एब्स्ट्रैक्ट सोर्स हैं उनसे भी नॉलेज दी जानी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव टेंडेंसी उनके अंदर डेवलप होनी चाहिए। एजुकेशन ऑफ सोशल आइडल्स की एजुकेशन उनको दी जानी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ एजुकेशन थ्रू इंडिपेंडेंट एफर्ट्स के थ्रू एजुकेशन बच्चे को दी जानी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ एंड ऑफ क्रैमिंग हैबिट, रट्टाफिकेशन को जो है ख़त्म कर देना चाहिए। एजुकेशन ऑफ इंटरनेशनलिज्म, यानी कि इंटरनेशनल एजुकेशन भी बच्चे के अंदर देनी चाहिए, उनके अंदर इंकलकेट करनी चाहिए कि स्पिरिट ऑफ वेलबींग ऑफ मैनकाइंड। ये कुछ हमारी जो थे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो कि टैगोर जी के द्वारा दिए गए थे। मीनिंग ऑफ एजुकेशन, अब एजुकेशन का मीनिंग क्या था टैगोर जी के अकॉर्डिंग, द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट विच मेक आवर लाइफ इन द हार्मनी विद ऑल एग्जिस्टेंस, यानी कि हम जो है पीसफुली रह पाएँ, शांति से रह पाए, यही सबसे बड़ी जो है एजुकेशन होगी। हाईएस्ट एजुकेशन हमारी यही मानी गई है। इन द वाइडर सेंस एजुकेशन जो है इंक्लूड करती है हमारे इंडियन कंसेप्ट को, यानी कि जो हमारे इंडियन लिटरेचर्स वगैरह हैं उनको इंक्लूड करती हैं, साथ के साथ जो है स्पिरिचुअल नॉलेज और लिबरेट हिम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी कि जो हमारी साइकिल है बर्थ से लेकर डेथ तक, उस तक जो है एजुकेशन हमारी इन्वॉल्व की गई है इसके अंदर। एजुकेशन एज एनलाइटमेंट, एजुकेशन जो है हमें एक दिशा देगी, एक हमारे एक तरीके से रोशनी का काम करेगी, ये इनका मानना था। और एजुकेशन जो एक परमानेंट पार्ट है हमारे वेंचर का, यानी कि जो हम जिंदगी जी रहे हैं उसका एजुकेशन एक सबसे मेन और महत्व एक परमानेंट पार्ट है। एजुकेशन एज द डेवलपमेंट प्रोसेस, टैगोर जी का मानना ये था कि एजुकेशन का ही सबसे बड़ा रोल होता है एक बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। एजुकेशन एज हारमनी, द हाइएस्ट एजुकेशन इज दैट विच डज नॉट मेयरली गिव इंफॉर्मेशन बट मेक आवर लाइफ इन हारमनी विद द ऑल एग्जिस्टेंस, इनका यही मानना था कि हम आराम से अपना जीवन व्यतीत करें, हमें इस तरीके से एजुकेशन लेनी चाहिए। एम क्या है एजुकेशन का, फिजिकल डेवलपमेंट करना, बच्चे की फिजिकल वे से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से जो है बच्चे को डेवलप कराना एजुकेशन के थ्रू। पुअर हेल्थ से उसको जो है एक हेल्दी पर्सन बनाना, हेल्दी यानी कि एक हेल्थ हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो फिजिकल डेवलपमेंट सबसे मेन है। नेक्स्ट वन इज़ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि हम मेंटली कितने स्ट्रोंग हैं, ये भी हमारा एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है और इसके अंदर भी जो है हम एक्वायर कर रहे हैं नॉलेज, सिर्फ एक्वायर नहीं करनी है हम, उसमें हमारे इंटेलेक्चुअल पावर को भी हम जो है बढ़ाएंगे जैसे जैसे हम नॉलेज को गेन करेंगे। मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हम करेंगे जब जब हम एजुकेशन को गेन करेंगे। ए मैन कैन अंडरस्टैंड हिज एलिमेंट्री नेचर, यानी कि डिवाइन नेचर थ्रू द मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड विल सर्व द ह्यूमैनिटी एज ए ट्रू ह्यूमन बींग, और जो है वो सोसाइटी में एक तरीके से अच्छी तरीके से वो रह पाएगा अगर वो स्पिरिचुअल और मॉरल डेवलपमेंट उसके अंदर होगी। नेक्स्ट वन इज़ हारमोनियस डेवलपमेंट, यहाँ पर जो है एजुकेशन का मेन एम फिजिकल इंटेलेक्चुअल मॉरल स्पिरिचुअल पावर को ही डेवलप करना नहीं है, साथ के साथ हारमोनी को भी जो है डेवलप करना है। नेक्स्ट वन इज़ यूटेरियन एम, यहाँ पे जो है टैगोर जी नोट इग्नोर द यूटेरियन एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन शुड अनेबल अस टू सॉल्व आवर रूटीन प्रॉब्लम्स, यानी कि जो हम डे टू डे एजुकेशन हमें जो है यूटिलिटी दे, यानी कि जो हम सीख रहे हैं उससे हमें कुछ ना कुछ गेन मिले, हम अपनी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। सोशल डेवलपमेंट के लिए भी जो है एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए भी। नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि अगर हमारी जो इंडस्ट्रियल स्किल्स वगैरह अगर हमें सिखा दिए जाएंगे तो एक
एक इंडिविजुअल जो है वो आराम से काम कर पाएगा, जिसे हैंडीक्राफ्ट वगैरह के स्किल है, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग स्किल्स हैं, तो ये हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करेगी, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। अगर एजुकेशन आप बच्चों को देंगे तो एक नेशनलिज्म की भावना भी उनके अंदर आएगी, वो इमोशनली चार्ज रहेंगे और साथ के साथ वो जो है नेशन के प्रति भी अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनलिज्म। इंटरनेशनलिज्म की भावना, ह्यूमनिस्टिक भावना इसके अंदर डेवलप होती है अगर हम बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ही यूज्ड टू से दैट वी वर ऑल द चाइल्ड ऑफ गॉड। इनका मानना यह था कि हम सारे जो है भगवान के ही बच्चे हैं। नेक्स्ट वन इज सम अदर व्यू पॉइंट्स जो थे टैगोर जी के, वो थे आइडियलिस्टिक टीचर होने चाहिए एंड प्रमोट टू द जो हमारा इंडियन कल्चरल है, ट्रेडिशन है, उसको जो है प्रमोट करे। आइडियलिस्टिक टीचर यानी कि जो आइडियलिज्म फिलोसफी है उसको फॉलो करते हो, गॉड के अंदर विश्वास करते हो। रिलीजियस एजुकेशन देनी चाहिए यानी कि रिलीजियस आउटलुक भी एक बहुत ज़्यादा मेन होता है। एजुकेशन अगर हम दे रहे हैं तो उनको जो है एजुकेशन बहुत अच्छी तरीके से देनी चाहिए, बच्चों को जो है एक ट्रू रिलीजन के अंदर, उनके अंदर भावना जो है, उनका बिहेवियर जो भी है वो अपलिफ्ट करने में मदद करेगा अगर आप उसको रिलीजन की यानी कि कोई भी रिलीजन की क्या देंगे, एजुकेशन देंगे। मास एजुकेशन देनी चाहिए यानी कि पॉवर्टी और सफरिंग जो है पीपल ऑफ द कंट्री सबसे ज़्यादा है और उसका कारण यही है कि लोग जो है इलिटरेट हैं। तो इनका मानना ये था कि एजुकेशन के थ्रू जो है हम पॉवर्टी और हमारी जो सफरिंग है उसको रिड्यूस कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ वुमेन एजुकेशन। टैगोर की जिस टाइम पर जो है इनका जन्म हुआ वहाँ उस टाइम पर जो है फॉरेन रूलर्स इंडिया के अंदर राज करते थे और इस टाइम पर जो है वुमेन की जो एजुकेशन है उनको सोशली जो है बहुत पीछे छोड़ दिया गया था। तो इनका ये मानना था कि वुमेन को एजुकेशन ज़रूर देनी चाहिए। नॉलेज को जो है इन्होंने दो टाइप के अंदर डिवाइड कर दिया था, प्योर नॉलेज और यूज़फुल और यूटेरियन नॉलेज। इनका मानना ये था वुमेन और मैन को जो है इक्वली दी जाए, प्योर नॉलेज के बारे में उनको सिखाया जाए। नेक्स्ट इज वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन यानी कि इंडस्ट्रियल एजुकेशन भी हम इसे कहते हैं, यानी कि इंडस्ट्री में काम करने के लिए जो हमें स्किल्स वगैरह की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें जो हैं सिखानी चाहिए। नेक्स्ट वन इज शांति निकेतन। ये सबसे एक सिंबल है टैगोर फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का। इसके ये जो है सिचुएटेड है 2 miles फ्रॉम द भोलपुर जो जगह है वहाँ से 2 miles अवे है और टैगोर्स फादर हैड चूजन भोलपुर ए ब्यूटिफुल प्लेस फॉर मेडिटेशन एंड फॉर वर्शिप। और टैगोर के जो फादर थे उन्होंने भोलपुर को चूज़ किया था क्योंकि एक बहुत अच्छा ही ब्यूटीफुल प्लेस है और यहाँ पर जो है एजुकेशन बच्चों को हार्मनी के लिए देनी चाहिए यानी कि उनके सोल जो है अच्छी तरीके से डेवलप हो जाए, इस तरीके से जो है नॉलेज दी जानी चाहिए। और ये एक बहुत ही अच्छा प्लेस है जो कि मतलब कि नॉर्मल वर्ल्ड से थोड़ा अलग था। विश्व भारती इज़ ए वास्ट लाइब्रेरी, हैज़ ए वास्ट लाइब्रेरी जो ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी है इसके अंदर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसके अंदर जो है टैगोर जी की जो बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी हैं उन सब को जो है यहाँ पर रिकॉर्ड के अंदर रखा गया है। इट हैज़ अबाउट 2 lakh बुक्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। इसके अंदर 2 lakh के आसपास बुक हैं और इसको रविंद्र हाउस के नाम से एस्टेब्लिश किया गया था 1952 के अंदर। और यहाँ पे जो है टैगोर्स लाइफ और उनकी वर्क जो है जो उन्होंने बुक्स वगैरह लिखी हैं वो सारी यहाँ पर रखी गई हैं। नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंट ऑफ विश्व भारती। विश्व भारती के अंदर क्या क्या डिपार्टमेंट है, पहला है शांति निकेतन स्कूल, नेक्स्ट वन इज़ यूनिवर्सिटी एंड थर्ड वन इज़ रूरल रिकन्स्ट्रक्शन इंस्टीट्यूशन वगैरह यहाँ पर हैं। देर आर मैनी डिपार्टमेंट और अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट हैं इसके अंदर विश्व भारती यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये है पहला है पाथ भवन। पाथ भवन क्या करेगा, ये एजुकेशन देगा अप टू मैट्रिकुलेशन और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बंगाली में ये आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट वन इज़ शिक्षा भवन। शिक्षा भवन के अंदर इंटरमीडिएट तक आपको नॉलेज दी जाएगी और ये जो नॉलेज है आपको बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, लॉजिक या पॉलिटिकल साइंस इन सब्जेक्ट में जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी इनमें दी जाती है। नेक्स्ट वन इज़ विद्या भवन। विद्या भवन के अंदर 3 साल का BA ऑनर्स का कोर्स कराया जाता है और 2 साल MA कोर्स कराया जाता है और साथ के साथ PhD भी आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ विनय भवन। इसके अंदर जो है टीचर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है ये और इसके अंदर एजुकेशन जो है BEd, MEd एंड PhD के रिगार्डिंग जो है टीचिंग ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट वन इज़
काला भवन, इसके अंदर क्या होता है, 2 ईयर का कोर्स दिया जाता है आर्ट एंड आर्किटेक्ट के लिए, 4 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है आफ्टर मैट्रिकुलेशन, एंड 2 साल का जो है आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। और ये जो कोर्स है वुमेन के लिए है ओनली, और यहाँ पर म्यूज़ियम लाइब्रेरी वगैरह भी हैं। नेक्स्ट वन इज़ संगीत भवन, यहाँ पर जो है म्यूज़िक डांसिंग के रिगार्डिंग जो है आपको नॉलेज दी जाती है। चाइना भवन, इसके अंदर जो है आपको चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर पढ़ाया जाता है। दिस डिपार्टमेंट एक्वाइंट द चाइनीज़ विद इंडिया एंड इंडियंस विद द चाइनीज़, इसके अंदर जो है बुक्स वगैरह हैं, लाइब्रेरी है ये एक तरीके की, और इसके अंदर बुक्स हैं जो कि चाइना से रिलेटेड हैं, जब इंडिया और चाइना के कैसे रिलेशन वगैरह थे उससे रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन इज़ हिंदी भवन, के अंदर जो है आपको हिंदी लैंग्वेज और लिटरेचर देखने को मिलेंगी और आपको पढ़ाया जाएगा। श्री निकेतन के अंदर आपको जो है प्रॉब्लम ऑफ रूरल पीपल के बारे में बताया जाएगा। और शिल्प भवन के अंदर जो है आपको करिकुलम, अलग अलग तरीके के करिकुलम जो फॉलो किए जाते थे उनके रिगार्डिंग बात की गई है। और ये हमारा डिपार्टमेंट है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है हमारी यूनिवर्सिटी में। करिकुलम अब कैसा होगा, सब्जेक्ट होंगे उसके अंदर लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, नेचर स्टडी एंड साइंस। एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी, म्यूज़िक, डांस, ड्रामेटिक या फिर जो भी हमारे ड्राइंग, पेंटिंग, इस तरीके की सारी एक्टिविटी आएंगी। और अदर एक्टिविटीज़ में जैसे कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स, सोशल सर्विस, सेल्फ डिसिप्लिन, एनाटॉमी, ऑटोनॉमी, ये सारी चीज़ों को जो है फॉलो किया जाता था। मेथड्स क्या क्या थे टीचिंग के, फर्स्ट वन इज़ एक्सकर्जन मेथड, यानी कि आपको घुमा कर पढ़ाया जाएगा, टूर के थ्रू जो है बच्चों को नॉलेज दी जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ डिबेट एंड डिस्कशन मेथड, यहाँ पर जो है आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और उसके फेवर और आप जो है पोजिशन में डिबेट और डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक के रिगार्डिंग। एक्टिव मेथड, एक्टिव मेथड यानी कि एक्टिविटी मेथड, यानी कि इसमें कोई आपको एक एक्टिविटी दी जाएगी माइंड और बॉडी के रिगार्डिंग, जो है फिर आप डेवलपमेंट करेंगे, जैसे कि जंपिंग, क्लाइंबिंग ट्रीज, इस तरीके से आपको एक्टिविटीज दी जाती थी। नेक्स्ट आता है ह्यूरिस्टिक मेथड, यानी कि ये जो है मेथड के अंदर आपको क्या किया जाएगा कि स्टूडेंट जो है उनको आंसर्स देने होंगे क्वेश्चंस फ्रॉम द टीचर, जो टीचर पूछते हैं, द टीचर ट्राई टू आंसर देयर क्वेश्चंस सेटिस्फैक्टरी बेस्ड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ हिज थॉट्स, लेटर द टीचर पुट द क्वेश्चन टू द स्टूडेंट, पहले जो है बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे फिर टीचर आंसर देगा, फिर जो है बाद में टीचर्स क्वेश्चन पूछेंगे और बच्चे को आंसर देना होगा। नेक्स्ट वन इज़ एजुकेशन थ्रू मदर टंग, मदर टंग लैंग्वेज के अंदर एजुकेशन दी जाएगी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा मदर टंग रहेगा। नेक्स्ट इज एम्फेसिस ऑन लाइफ सेंटर्ड टीचिंग, लाइफ सेंटर्ड टीचिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा कि लिविंग प्रोसेस किस तरीके का है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया गया है। नेक्स्ट इज लर्निंग थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस, यानी कि टैगोर जी का ये कहना था कि हमें जो है एक्सपीरियंस के थ्रू ज़्यादा लर्निंग मिलती है, तो एजुकेशन जो है हम लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू भी जो है हमारी एजुकेशन डिपेंड करती है। नेक्स्ट वन इज़ एम्फेसिस ऑन द यूज़ ऑफ सेंस ऑर्गन्स, इनका मेन ये था कि हम हमारी 5 सेंसेस का यूज़ करें जब भी हम एजुकेशन ग्रैंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ टीचिंग विद लव एंड सिंपथी, यानी कि आपको जो है बच्चे को सिंपथी के साथ और साथ के साथ लव के साथ पढ़ाना होगा, प्यार से उनको पढ़ाना होगा। प्ले वे मेथड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसमें कुछ गेम वगैरह खिला के बच्चे को जो है चीज़ें सिखाना। नेक्स्ट वन इज़ डायरेक्ट मेथड यानी कि यहाँ पे लेक्चर मेथड की बात की गई है कि आप ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग के थ्रू आप जो है बच्चों को पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ सेल्फ स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी कि बच्चा खुद से पढ़े और साथ के साथ एक्सपेरिमेंटल मेथड भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स थे जो उस टाइम पर यूज़ किए जाते थे। नेक्स्ट आता है टीचर्स, टीचर्स जो थे यहाँ पर सबसे मेन यही था बिहेवियर, जो है टीचर जो भी काम कर रहे हैं, टैगोर का ये मानना था टीचर्स ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। एजुकेशन कैन बी इम्पार्टेड ओनली बाय द टीचर्स एंड नेवर बाय द मेथड, टीचर के थ्रू ही एजुकेशन दी जाती है, ना कि हम किसी मेथड वगैरह से सीखते हैं। तो इसीलिए राइट एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। टैगोर से द स्टूडेंट विल बिहेव प्रॉपरली इफ़ द टीचर बिहेव प्रॉपरली विद दैम, स्टूडेंट भी अच्छे से बिहेव करेंगे अगर टीचर उनके साथ अच्छे से बिहेव करेगा, इनका ये मानना था। नेक्स्ट वन इज़ चाइल्ड, बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट रोल है, मतलब कि बच्चों के अंदर ही हमें जो है डेवलपमेंट करनी है, तो उनके जो भी डिसिप्लिन वगैरह उनको सिखाना है वो अच्छी तरीके से टीचर को सिखाना होगा। बच्चे को जो है बच्चे जो है एनर्जेटिक होते हैं और एक्सपेरिमेंट भी वो कर सकते हैं, इनको जो है नेचुरलिज्म, आइडलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, फिलोसफीज वगैरह का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्कूल, स्कूल जो थे यहाँ पे उनका स्कूल का पैटर्न गुरुकुल और आश्रम थे उस टाइम पर, एंड दे शुड बी सिचुएटेड अवे फ्रॉम द टाउन
एंड इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। इनका मानना ये था कि जो शिक्षा है गुरुकुल में देनी चाहिए, एक नेचुरल इन्वायरमेंट में देनी चाहिए जो कि सिटी और टाउन से अलग हो। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है सबसे मेन और इम्पोर्टेंट है। इनका मानना ये था कि डिसिप्लिन जो एक इनर क्वालिटी होती है, खुद के अंदर होता है। ही डिड नॉट बिलीव इन फोर्स डिसिप्लिन। इनका मानना ये था कि हम किसी के ऊपर फोर्सफुली हम डिसिप्लिन नहीं सिखाएंगे किसी को भी। डिसिप्लिन खुद एक अपने अंदर होता है और बच्चे जो है उसको अच्छी तरीके से जब ही सीख पाते जब उनको आज़ादी दी जाती है। नेक्स्ट आता है एन इवेल्यूशन ऑफ टैगोर्स फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। क्या इवेल्यूशन आया टैगोर फिलोसफी ऑफ के अंदर, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टैगोर जी जो थे एक मल्टी फोल्डेड थे एंड इनका मानना ये था कि ये एक तरीके से हाईली पर्सनैलिटी थी इनकी। और इनका मानना ये था कि जो हमारी एजुकेशन है वो सबसे मेन एक्टिविटी है और एक वाइड स्कोप है। एजुकेशन जो है इंसान को सही रास्ते पर लेके जाएगी और वो जो है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एजुकेशन से गेन कर पाएगा। इनका मानना ये भी था कि एजुकेशन के लिए जो है ब्रह्मचार्य यानी कि सेलिब्रेसी को फॉलो करना चाहिए टीचर और स्टूडेंट दोनों के द्वारा, यानी कि दोनों ही ब्रह्मचार्य की जो हमारी सेलिब्रेसी है उसको फॉलो किया जाए। बोथ ही वॉज अगेंस्ट पनिशमेंट फॉर नॉट ऑब्जर्विंग इट। लेकिन ये जो है अगेंस्ट थे कि किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग पनिशमेंट नहीं दी जाएगी बच्चों को। ये इनका सबसे मेन मानना था कि टैगोर फॉर्मुलेट द एजुकेशन लेवल एंड फ्रेम डिफरेंट करिकुला फॉर दिस। और इन्होंने जो है अलग अलग करिकुलम जो है डेवलप किए। वट एवर गैप्स वर लेफ्ट वर फील्ड बाय हिज डिसिप्लिन्स, यानी कि जो भी हमारा गैप रह जाता है करिकुलम में वो हम जो है इनके डिसिप्लिन से ही डिसिपल से यानी कि इनके प्रिंसिपल्स वगैरह से हैं उनसे ही हम जो है उस गैप को कंप्लीट कर देते हैं। रीजनल एजुकेशन नेशनल एजुकेशन और इंटरनेशनल एजुकेशन जो हैं वो सबसे मेन है और अबव द नैरो एजुकेशनल कंसेप्ट एंड आर वेरी ब्रॉड। इनका मानना ये था कि हमें रिलीजियस नेशनल और इंटरनेशनल एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए जो कि नैरो एजुकेशनल कंसेप्ट यानी कि ओनली हमारे ट्रेडिशन के बारे में पढ़ाना उससे ये बहुत ज़्यादा प्रे हैं। इसी के साथ हमारा जो है टैगोर एजुकेशन फिलोसफी हमारा कंप्लीट होता है टॉपिक। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।